नाज़रीन कराम, चरसी कढ़ाई बनाने के लिए हम ले लेंगे 3 कप तेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम अपनी चिकन शामिल करेंगे। इस तेल में मैं शामिल कर रहा हूँ 2 खाने के चम्मच नमक के। मैंने तकरीबन जो चिकन पकानी है वो है 1.25 किलो, तो आप लोग अपने हिसाब से जो हसबे ज़रूरत नमक हो उसको शामिल कर लीजिएगा। और ये याद रहे कि हम इस पूरी डिश को हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो हम अपनी चिकन इसके अंदर शामिल कर लेंगे। और चिकन को हम हिलाएंगे ताकि ये नीचे ना लगे। और इस चिकन को हम उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये हल्की ब्राउन हो जाती है। जब ये हल्का ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें से तकरीबन 2 कप तेल बाहर निकाल लेंगे और बाकी 1 कप इसके अंदर रहने देंगे। अब हमारे पास 1 ही कप रह गया है इसके अंदर तेल बाकी। अब जबकि ये सूरत हाल है तो मैं इसके अंदर 10 टमाटर कटे हुए इस तरह से डाल दूँगा। और अब मैं इस मुर्गी को इन टमाटरों के साथ कुछ भूनूँगा और जो जो टमाटरों का छिलका नरम होता जाएगा हम उसको निकालते चले जाएंगे। और ये लहसुन अदरक को पीस कर मैंने पानी में मिक्स कर लिया है। ये पानी अभी मैं इसके अंदर तकरीबन 1 गिलास शामिल करूँगा। और अब हमने इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक कि ये टमाटर इसमें घुल जाएं और पानी इसका खुश्क हो जाए और ये तेल पर आ जाए वापस। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़र में अगर तू चाहे तो रोज़ा रख ले और अगर चाहे तो इफ्तार कर ले। जब हमें लगेगा कि हमारी मुर्गी अब भुनने के करीब है तो हम इसके अंदर चंद कटी हुई इस तरह से सब्ज़ मिर्ची डाल देंगे। ये तकरीबन मैंने 7 से 8 दानी ली हैं और फिर हम इसको इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। तो नाज़रीन कराम, अब ये हमारी जो कढ़ाई है ये अच्छी तरीके से भुन गई है, तो अब मैं इसके नीचे आग बंद कर दूंगा। जैसा कि आप जानते ही हैं कि चरसी कढ़ाई के अंदर ज़्यादा मसाले नहीं जाते, तो अब जबकि ये पक चुकी है और मैंने इसके नीचे चूल्हा बंद कर दिया, अब इसके अंदर मैं ये कुटी हुई मैंने कूट ली है काली मिर्च, ये तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगा। और उसके बाद मैं इसको एक ट्विस्ट दूँगा, माशाल्लाह। और अब मैं इसके अंदर शामिल कर लूँगा कुछ अदरक जो कि मैंने थिन काट ली है, और इसके अलावा मैं इसके अंदर शामिल करूंगा धनिया। सो दिस इज़ इट नाज़रीन, ये है हमारी चरसी चिकन कढ़ाई। और अब इसको हम टेस्ट कर लेते हैं कि ये कैसी बनी है। बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शानदार टेस्ट। तो आप भी इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपने चरसी कढ़ाई कैसे बनाई और आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और हमारा साथ देते रहिए।